आई के एसोसिएट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। दोस्तों हम सब अपने पैसे बैंक में जमा करके रखते हैं और यही बैंक्स उन पैसों पे हमको इंटरेस्ट भी देती है और पैसे भी देती है। कभी आपने सोचकर देखा है कि बैंक खुद के लिए कैसे पैसा कमाती है? तो दोस्तों आज की वीडियो में हम समझेंगे कि बैंक का बिजनेस मॉडल क्या है, बैंक कैसे पैसा कमाती है। थोड़ा सोचकर देखो दोस्तों, बैंक आपके पैसों के साथ करती क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं आपसे पैसे लिए, लॉकर में रख दिए और लॉकर के चाबी लगा के चाबी अपने पास रख दिए, अब चाबी अपने पास रख ली, ऐसा तो नहीं है दोस्तों? दोस्तों ऐसा फिल्मों में होता था लेकिन रियल में नहीं है। तो दोस्तों बैंक क्या करती है? बैंक ये करती है कि आपसे पैसा लेती है और दूसरों को लोन देती है, इनसे बैंक की कमाई होती है। तो इसको एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि कैसे बैंक पैसा कमाती है यह है एक बैंक और बैंक में एक ही कस्टमर है, वो है आप। अब आप 100 रुपये डिपॉजिट करवाते हो बैंक में, तो बैंक क्या करता है, 4% से आपको इंटरेस्ट देता है। यानी कि पैसे आपने बैंक में जमा करवाए और बैंक ने आपको 4% इंटरेस्ट दिया। बैंक क्या करेगा कि जो आपने 100 रुपये डिपॉजिट करे उस पैसे को दूसरे को लोन देगा, दूसरे को 8% इंटरेस्ट में लोन देगा। उस दूसरे आदमी को अपना घर खरीदना है तो बैंक ने क्या किया, वो 100 रुपये उसको दे दिए। अब उस आदमी के पास वो 100 रुपये चले गए। अब बैंक क्या करेगा, जब दूसरा आदमी बैंक को 108 रुपये देगा 8% इंटरेस्ट से, तो बैंक क्या करेगा, उस 108 रुपये में से 104 रुपये आपको दे देगा। तो बैंक के पास प्रॉफिट कितना हुआ, 4% प्रॉफिट। दोस्तों बैंक बेसिकली ऐसा ही काम करता है। मान लो अगर बैंक ने जिसको 100 रुपये का लोन दिया है उसकी डेट वापस करने की नहीं आई और आपको अर्जेंट ही 100 रुपये वापस लेने हैं जो आपने बैंक में डिपॉजिट कराए, तो उस सिचुएशन में बैंक क्या करेगा, 100 रुपये बैंक के पास है नहीं आपको वापस देने के लिए। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, अगर वो दूसरा आदमी किसी भी रीज़न से अपना लोन को वापस नहीं कर पाया तो फिर क्या होगा, एक बैंक में एक डिपॉजिटर एक लोन लेने वाला नहीं होता, बहुत से डिपॉजिट करने वाले होते हैं और लोन लेने वाले होते हैं। लेकिन हर बैंक पैसों को अपने पास नहीं रखता, जो पैसे बैंक के पास रहते हैं वो लोन में दे देता है, यानी लोगों को लोन के लिए दे देता है। तो इसलिए दोस्तों RBI ने एक रूल रख रखा है, डिपॉजिटर ने अपने पैसे डिपॉजिट कराए बैंक में तो आपके पैसे का 4% कैश रिजर्व में बैंक रखता है। इस चीज को दोस्तों कहा जाता है कैश रिजर्व रेशियो। RBI सारी बैंकों का बॉस होता है, तो बॉस डिसाइड करता है कि बैंक का कैश रिजर्व रेशियो कितना होना चाहिए। ये कैश रिजर्व रेशियो है वो बदलता रहता है। इसके अलावा एक चीज और होती है स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो, ये 18-20% होता है। इतना पैसा बैंक को वहाँ डिपॉजिट करके रखना पड़ता है, जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, सिक्योरिटी में, ESU में करके रखना होता है बैंक को। तो दोस्तों आपने जो पैसा डिपॉजिट कराया उसका 4% और 18% या 20% आप भूल जाओ, बाकी का जो पैसा होता है 70% या 80% बैंक क्या करती है, उन पैसों को लोन पे देती है, लोन से इंटरेस्ट कमाती है। बैंक लोन देने में और इंटरेस्ट रेट में अपने लिए प्रॉफिट कमाती है। तो दोस्तों इसका मतलब ये हुआ, जितना भी पैसा हमने बैंक में डिपॉजिट करवाया उसका 70-80% बैंक लोन देने के लिए काम में लेती है और उससे अपना प्रॉफिट कमाती है। अगर दोस्तों हम सोचें कि सारे डिपॉजिटर एक साथ अपना पैसा निकालें तो फिर क्या होगा, तो दोस्तों ऐसा पॉसिबल नहीं है, दुनिया में कहीं भी किसी भी बैंक में ये पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा होता है तो बैंक फेल हो जाता है। दोस्तों ये मैंने शॉर्ट वीडियो बनाया है Part 1 में, अगला पार्ट इसका आएगा। दोस्तों आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना